हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शैली पवार ब्लॉग्स। जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि सबको पता है, एक्चुअली जो लोग मेरे चैनल को कंटिन्यू देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि मैं एक सीरीज कर रही हूँ नवरात्रि इंस्पायर्ड आउटफिट से रिलेटेड। तो डे 5 कंप्लीट हो चुके हैं, तो आज है डे 6। उनके लिए आउटफिट मैंने चूज कर लिए हैं, तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं आपको आउटफिट दिखाती हूँ। आउटफिट एक्चुअली मैंने आज 2 चूज करे हैं, तो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं, मैंने चूज तो किया है आज की मुझे ब्लू कलर पहनना है। तो ब्लू कलर के आउटफिट जो मुझे बेहद पसंद है वो ये 2 आउटफिट मेरे पास है। ये एक लहंगा है जिसका ये बहुत सुंदर सा ऐसे मिरर वर्क वाला ब्लाउज है, सी हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। और एक ये है, इसके साथ ये इसका दुपट्टा। और एक ये है, ये कुर्ती है नायरा कट, ये भी बेहद पसंद है मुझे। सी द कलर, सी द वर्क, इस पर कितना हैवी वर्क हो रखा है आप देख सकते हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा इन दोनों में कंफ्यूज हो गई कि मेरे को कौन सा पहनना चाहिए, तो मेरे को तो मैं इनमें से कोई एक चूज करने वाली हूँ। तो मैं ये डिसाइड कर लूँ कि मैं इसमें से पहनने कौन सा वाली हूँ। आ रही हूँ आज इस कुर्ती के साथ, तो मैं इसको स्टाइल करती हूँ इन माय ओन वे। और अगर आप चाहते हैं मुझे कि मैं इसके साथ भी एक लुक तैयार करके दिखाऊँ, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो उसके बाद ज़्यादा देर न करते हुए इसे पहन के आती हूँ। तो कुछ फ्रेंड्स, कुछ लोग तो शायद मेरे से भी रिलेट कर पाएंगे कि सिचुएशन क्या होती है कि हम कल सोचते हैं कि बहुत अच्छे से तैयार होके जाएंगे, बहुत अच्छे से मतलब आउटफिट पहनेंगे, उसके बाद अच्छा सा मेकअप करके और फिर जाएंगे। लेकिन जब जाना होता है तो ऐसे मतलब 2 मिनट्स चुटकियों में तैयार होके फटाफट जाना पड़ता है, तो मेरे साथ ज़्यादातर ऐसे होता है। विद इन 2 मिनट्स में रेडी होना है ना, तो बस ब्लश लगाएं और थोड़ा सा काजल लगाएं, बिंदी लिपस्टिक रहेगी वो भी लगा लेती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका गला कितना, मतलब जो इसकी नेक है इस पर अच्छा खासा हैवी वर्क है, इसके बाद बेल्ट भी हैवी है, हो चुका है रेडी। और ये इसके साथ एक दुपट्टा भी है, जो कि दुपट्टा भी काफ़ी हैवी है। तो हाथ में मैंने ब्रेसलेट जो है इसके मिरर से मैच करते हुए, ये मेरा फेवरेट ब्रेसलेट जो आजकल मुझे काफ़ी पसंद है, तो मैंने ये कैरी किया है। उसके अलावा मेरी जो गोल्ड ज्वेलरी जो मैं डेली पहनती हूँ, तो बस वही है, ज़्यादा मैंने नहीं पहना है बिकॉज ऑलरेडी ये इसमें बहुत हैवी है। तो जब मैं आपको कम्प्लीट लुक दिखाऊँगी तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं मैं आपको जो मैंने दूसरा आउटफिट आपको दिखाया था, दैट इज़ द ब्लू वन, द ब्लू लहंगा, उसके साथ भी अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके साथ भी एक लुक क्रिएट करके आपको दिखाऊंगी। उसके अलावा मुझे अपने लुक में क्या ऐड करना चाहिए या फिर क्या सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए या फिर मुझे किस तरह के लुक क्रिएट करने चाहिए, आप प्लीज़ कॉमेंट में मुझे बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय माता दी, माता रानी की कृपा आप सब पर इसी तरह बने रहे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू फॉर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। धन्यवाद। Bye-bye.